हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन एप्लायंस चैनल। आप सभी का खूब खूब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन न्यू 2022-23 मॉडल एडवांस डिजिटल फंक्शन वाली प्लस रेम्बो टॉपिंग सिस्टम वाली मशीन जो हमने वीडियो बहुत सारी मशीन की बनाई है। तो वीडियोस देख के स्पेशली हमारे कस्टमर है गुजरात में चोटीला करके सिटी है, वहाँ से स्पेशली कस्टमर विजिट के लिए आए मशीन का लाइव डेमो देखने के लिए। मशीन कैसे ऑपरेट होती है, कैसे चलती है, क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या सिस्टम है, आइसक्रीम अंदर से कैसा निकलता है, टेस्ट कैसा है, स्मूथनेस कैसा है, क्रीमनेस कैसा है, सब चीज़ का लाइव डेमो देखने के लिए आज डॉल्फिन अप्लायंस कंपनी में फैक्ट्री विजिट के लिए है। 30 नवंबर का डेट है दोस्तों, 2022 30 नवंबर 2022 के दिन आज कस्टमर आए। थोड़ा हम सर से बात करेंगे। हेलो सर, क्या नाम है सर आपका? जय सुख भाई। अच्छा, कहाँ से है सर आप? चोटीला गुजरात। सर, कौन सी मशीन के लिए है सर आप? सॉफ्टी रेम्बो मशीन के लिए। अच्छा, और सर आपने हमारा रेफरेंस कहाँ से देखा है इसका? वीडियो देखा होगा यूट्यूब में। तो आज स्पेशली विजिट के लिए आए। अच्छा, आपका नाम क्या है सर? दिलीप भाई। और आप भी साथ में आए सर के चोटीला से? हाँ, चोटीला से। अच्छा, तो आप देख सकते हैं अभी हम सर को लाइव डेमोस्ट्रेशन देने वाले हैं, मशीन चलाने वाले, पूरा ऑपरेट करके दिखाने वाले कैसी सर को मशीन। सर, पहले आपने कहीं दूसरे मशीन देखी है? सॉफ्टी पहले देख के आए, दो तीन जगह पे देखा होगा आपने शायद? अहमदाबाद में देखा था। अच्छा, वहाँ पे टेस्ट किया था आइसक्रीम आपने? क्वालिटी परफॉर्मेंस सब टेस्ट किया था? अच्छी बात है हमारे लिए आज के सर दो तीन जगह पे देख के आए हैं और क्वालिटी भी टेस्ट किया है। तो जो देख के आए कस्टमर और हमारी मशीन हम आज दिखाने वाले हैं, तो इसमें से क्या टेस्ट उनको लगा और अहमदाबाद में जो मशीन देखी उन्होंने उनमें क्या टेस्ट में डिफरेंट आया, क्या मशीन में फ़र्क आया, तो उनका लाइव डेमो आज अपने को देखने मिलेगा ये वीडियो के अंदर। तो वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक आप देखिए, जिससे आपको ज़्यादा डिटेल ज़्यादा जानकारी मिले। यहाँ पे हमने 4 लीटर मिल्क लगा के रखा है, 4 लीटर मिल्क है, प्लस यहाँ पे आइसक्रीम का पाउडर है, एक 500 ग्राम आधा पाउडर हम पिस्ता का फ्लेवर बनाने वाले दोस्तों आज, और आधा पाउडर हम बनाने वाले ब्लूबेरी का। ये दोनों फ्लेवर आज हम बनाने वाले वीडियो के अंदर। तो वीडियो के अंदर स्टार्ट से लेके एंड तक देखिए तो आपको मालूम पड़ेगी कैसे मशीन ऑपरेट होता है, कैसे मशीन चलती है। तो सबसे पहले हम ये हमारे पास वेट काउंटर है, इसको हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम इसको सबसे पहले पाउडर ले लेंगे 500 ग्राम, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 0-0 हो जाना चाहिए, ये टैंक रख देंगे यहाँ पे 0-0 कर देंगे इसको हम। और सबसे पहले 500 ग्राम ml के हिसाब वजन के हिसाब से पाउडर, आधा पैकेट हम बना रहे हैं, पूरा पैकेट नहीं बना रहे हैं, इसके हिसाब से हम आधा लीटर पाउडर ऐड करेंगे, आधा किलो ये पिस्ता का पाउडर ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये 500 ग्राम ऐड कर दिया हमने। उसके बाद ब्लूबेरी का दूसरा पाउडर है, ये 500 ग्राम हम ऐड करेंगे। ये 500 ग्राम ऐड कर दिया हमने इसको भी, दोनों हाफ हाफ पैकेट ऐड कर दिया हमने। और अराउंडली 4-4 बैग इसमें मिल्क का ऐड कर देंगे दोनों में। ये 4 बैग इसमें ऐड हो चुका है पिस्ता में, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अभी हम इसको ब्लेंडर से, जो मशीन के साथ हम कॉम्प्लीमेंट्री में दे रहे हैं, ब्लेंडर से अच्छे से इसको मेल्ट कर देंगे पिस्ता फ्लेवर को, मिल्क और पाउडर अच्छे से इसको मेल्ट कर देंगे, जो प्रॉपरली इसको टैंक के अंदर फिलअप कर रहे हैं। पिस्ता फ्लेवर रेडी हो चुका है, अभी थोड़ा हम वॉशिंग कर लेंगे इसको। अभी ये ब्लूबेरी का फ्लेवर इसको मेल्ट कर देंगे हम। ओनली इतना जो हमने मटेरियल बनाया है इसके अंदर से आपको 115 से 120 कोन का बैकअप मिलेगा। अराउंडली 115 से 120 कोन आप निकाल सकते हो 4 लीटर मिल्क 1 किलो पाउडर के अंदर, अगर यह मशीन के अंदर से आप गुजारते हो तभी निकलेगा इतना बैकअप। अगर दूसरा कोई लो क्वालिटी डाउन क्वालिटी मॉडल है तो अराउंडली 80 से 85 कोने निकलेंगे, क्योंकि हमने मशीन के अंदर डिजिटल एयरपंप सिस्टम दिया है जो आइसक्रीम को सॉफ्ट और क्रीमी और हल्का बनाता है। ब्लूबेरी रेडी हो चुका है, अभी हम
मशीन के अंदर सप्लाई करेंगे। दोनों टैंक है अपना, इसका अपना वॉश हो चुका है पहले मशीन में, हमने पानी डाल के वॉश कर दिया इसको। अभी यहाँ पे डालने के लिए मटेरियल रेडी है, हम यहाँ पे मटेरियल ऐड कर देंगे ब्लूबेरी का। ये पूरा टैंक खाली है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टैंक पूरा खाली है, इसके अंदर हम मटेरियल डाल देंगे ब्लूबेरी का। ब्लूबेरी का मटेरियल डाल दिया, उसके बाद यहाँ पे पिस्ता का फ्लेवर वो डाल देंगे इसमें। थोड़ा हम लाइनिंग में ले लेंगे यहाँ से वॉश का बटन दबा के, यहाँ से पिस्ता का फ्लेवर निकल रहा है, आप देख सकते हैं। इसका कवर हम लगा देंगे इसके ऊपर। अभी ये मटेरियल लोड हो चुका है अपना मशीन में, यहाँ पे डिस्प्ले शो कर रहा है इसमें। आइए यहाँ पे थोड़ा पास आइए, ये वॉश का बटन है, वॉश का बटन दबाने से आप मशीन को साफ और क्लीन कर सकते हो। जब आइसक्रीम जमाना है तभी यहाँ पे फ्रीजिंग का बटन है, ये बटन दबाना है तो आइसक्रीम बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये कीप फ्रेश का है, नाइट मोड इमरजेंसी में कभी नाइट मोड में रखना है तो कीप फ्रेश में आप बना के जा सकते हो। प्ले का बटन है, मशीन के बारे में कुछ जानना है, माल कैसे बनाना है, मशीन को साफ सिफ कैसे करना है, मशीन में कौन सा सामान आता है, क्या पार्ट्स आता है, उसको अच्छा कैसे करना है कल सुबह, तो यहाँ से सेट कर सकते हो। ये सेटिंग का बटन है, सेटिंग में जाके आपको मशीन के अंदर कुछ मॉडिफाई करना है कि हार्डनेस बढ़ाना है, हार्डनेस कम करना है, एयर कम ज़्यादा फील करना है, काउंटिंग जीरो जीरो करना है कि रोज़ रात को कितना कौन निकला, 500 निकला है तो डिस्प्ले में 500 दिखाएगा, अभी उसको जीरो जीरो करना है तो अंदर आप जाके कर सकते हो। और ये पासवर्ड प्रोटेक्शन है, ये कोई आदमी नहीं कर सकता है, जिसके पास पासवर्ड है वही डाल के उसको चेंजेस या छेड़छाड़ कुछ कर सकता है उसमें। ये हम पासवर्ड प्रोटेक्शन में गए, ये हार्डनेस बड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो उसके अंदर आप। यहाँ पे ये बैक का बटन है, ये नेक्स्ट पेज में अभी कितना 83 पीस को निकला हुआ ऑलरेडी इसमें, अभी हम इसको जीरो जीरो कर देंगे। नंबर ऑफ कफ रिसेट है, जीरो जीरो हो चुका है यहाँ पे। अभी ये बैक का बटन है, अभी हम आइसक्रीम बनाने के लिए प्रोसेस चालू करेंगे। ये मशीन स्टार्ट हो चुका है, अभी इसका कंप्रेसर 10 सेकंड में कंप्रेसर चालू हो जाएगा उसका। कंप्रेसर चालू हो गया इसका, ये 31 का टेम्परेचर, जहाँ पे आइसक्रीम सिलेंडर बन रहा है वहाँ पे 31 का टेम्परेचर है, 31 का। 15 का टेम्परेचर है, टैंक दिखा रहा है, देखो ये दिख रहा है, तीन पट्टी बना हुआ है, भरा हुआ है, तीन पट्टी दिख रहा है कि टैंक अभी आपका तीन पट्टी भरा हुआ है, अगर पूरा भरते तो पूरा भरता दिखेगा। 15 नंबर का टेम्परेचर उसका दिखा रहा है। आइसक्रीम कितना रेडी है, तो अभी 55% ही रेडी है, जब आइसक्रीम पूरा 100% तैयार हो जाएगा तो यहाँ पे 100% हो जाएगा। इसको एक बार पुश करेंगे तो यहाँ का बार का इंट्रोडक्शन आएगा, कितना पावर ऊपर से आ रहा है, 245 पावर आ रहा है, वोल्टेज कितना रहा है, पावर कितना रहा है, मोटर कितनी स्पीड से घूम रहा है, कौन कितना निकला है आपने, आउटलेट पीस जीरो है क्योंकि अभी हमने जीरो किया था डिस्प्ले में, इसलिए भी फिलहाल जीरो दिखा रहा है इसके अंदर। फर्स्ट टाइम अराउंडली 10 से 12 मिनट का टाइम लेगा, अभी कितना टाइम हुआ है चालू की अपने, 12:51 का टाइम हुआ है। अभी अपने देखते हैं कि पहली बार में कितनी टाइमिंग के अंदर मशीन में आइसक्रीम तैयार हो जाता है, क्योंकि इसका ताकत तभी नापा जाता है, इसका पहली बार में नापा जाता है कि कितनी देर में पहला लोड तैयार करता है आइसक्रीम। ये फर्स्ट टाइम इतना टाइम लगेगा 10 से 12 मिनट का, फिर कस्टमर आया 10 कोन लिया तो 10 कोन का दूध वापस खींच लेगा, 1 मिनट चल के वापस बंद हो जाएगा। वापस कस्टमर आया 5 कोन आया, आधा मिनट चलेगा चल के वापस बंद हो जाएगा। अभी हम इसका रेमबो टॉपिंग्स वाला जो लाओ बाउल है, यहाँ पे हम चॉकलेट फिलअप करेंगे पिस्ता का लाइन के अंदर। सबसे पहले हम यहाँ से पानी से वॉश करेंगे थोड़ा, इसको पहले पानी डालेंगे थोड़ा, ये पानी डाल के लाइन में ले लेंगे इसका। यहाँ से क्लीनअप के लिए वॉशिंग करेंगे, ये लाइनिंग अपना पानी में आ जाएगा पूरा, जो पानी अभी हमने वॉशिंग के लिए डाला ये पूरा लाइनिंग में ले लेते हैं पानी। लाइनिंग में पानी आ रहा है आप देख सकते हैं पूरा, जो अभी हमने वॉशिंग के लिए पानी डाला है लाइनिंग में आ रहा है पूरा। क्लीन हो चुका है, अब ये बंद कर देंगे। अभी इसमें हमारा जो चॉकलेट का टॉपिंग से डालेंगे उसमें, टॉपिंग्स डाल दिए। अब ये हम इसको चॉकलेट को भी लाइन में ले लेंगे, यहाँ पे जो भी पानी लिया वैसे चॉकलेट को भी लाइनिंग में ले लेंगे।
अभी आइसक्रीम बनके तैयार हो चुका है। अराउंडली हमने 12 और 51 को स्टार्ट किया था, अभी आप टाइम देख सकते हैं 1:02 के अंदर अपना आइसक्रीम तैयार है। अराउंडली 11 मिनट का समय लिया, कितना सर 11 मिनट हुआ समय, राइट 11 मिनट टाइम हुआ उसको। अभी मशीन बंद हो चुका है पूरा, साइलेंट है कि चालू है, मशीन बंद है ना पूरा। अभी हम देख सकते हैं मशीन में से हम आइसक्रीम निकालेंगे और थोड़ा हमारे कस्टमर है उनको टेस्ट कराएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम ब्लूबेरी का जो फ्लेवर डाला है उसको निकालेंगे, आप देख सकते हैं ब्लूबेरी का फ्लेवर हमने निकाला हुआ है, एकदम सॉफ्ट और क्रीमी ब्लूबेरी का फ्लेवर बन के निकला है। लीजिए सर टेस्ट कीजिए। उसके बाद हम पिस्ता का फ्लेवर निकालेंगे यहाँ से, प्लेन पिस्ता का। ये पिस्ता का फ्लेवर है और मिक्स का फ्लेवर अगर चाहिए तो यहाँ से मिक्स का निकालेंगे दोनों का, पिस्ता और ब्लूबेरी मिक्स में है। अब देखिए इस साइड पिस्ता आ रहा है, इस साइड ब्लूबेरी आ रहा है, इसका क्वालिटी परफॉर्मेंस देखिए आप। आप देख सकते हैं ब्लूबेरी और पिस्ता दोनों फ्लेवर है यहाँ पे। और रेमबो टॉपिंग्स वाला निकलना है तो यहाँ पे आपको टॉपिंग्स का बटन है, ये टॉपिंग्स का बटन हम दबाएंगे यहाँ से तो टॉपिंग्स लग के निकलेगा साथ में। अभी हम टॉपिंग्स वाला निकालेंगे इसमें से, ये टॉपिंग्स लग के निकला है बॉर्डर में से, चॉकलेट का हमने जो टॉपिंग्स डाला है बॉर्डर में लग के निकला है, आप देख सकते हैं पूरा पिस्ता के साथ में टॉपिंग्स लग के निकला है। जो कस्टमर टॉपिंग्स वाला मांगते हैं उसको टॉपिंग्स वाला आप दे सकते हैं। भरू तुम्हारा वाटे भरू कर सो टेस्ट में आप भाई घर से टेस्ट क्यों भरू पिस्ता खाली भरू पिस्ता का टेस्ट करवाएंगे हमारे कस्टमर को। आप देख सकते हैं पिस्ता निकाला है, प्लस यहाँ पे अपना आइसक्रीम बनके रेडी है। -7 का टेम्परेचर आ चुका है इसके अंदर और यहाँ पे टैंक में हमने दोनों मटेरियल को आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एयर फिल हो रहा है, डिजिटल एयर फिल से यहाँ से फिल हो रहा है एयर, आप देख सकते हैं टैंक है पूरा यहाँ पे एयर फिल हो रहा है अच्छे से प्रॉपरली, ये टैंक में भी एयर फिल हो रहा है और टैंक में साइड में भी बर्फ जम चुका है। देखिए प्री कूलिंग का आइस कितना जम चुका है यहाँ पे, कैसा लगा सर टेस्ट कैसा है? अच्छा है, अच्छा है, एकदम सॉफ्ट और क्रीमी है और जो हम बता रहे हैं कि क्रिस्टल नहीं आएगा, बर्फ का पीस नहीं आएगा, तो बर्फ आ रहा है इसके अंदर, आइस जीरो आइस है पूरा। और आपको कैसा लगा सर? सारो है, अच्छा फ्लेवर है, पिस्ता का फ्लेवर है अच्छा है और क्रिस्टल आ रहा है सर? नहीं जरा नहीं, जरा भी नहीं आ रहा है ना क्रिस्टल। और आपने जो टेस्ट किया था दूसरे सिटी अहमदाबाद में उससे कोई फर्क है टेस्ट में? उससे अच्छा है, अच्छा हमारे गुजराती लैंग्वेज में बोल रहे हैं सर उससे अच्छा है, जो वहाँ पे अहमदाबाद में टेस्ट किया था उससे अच्छा क्वालिटी टेस्ट है। और सर मशीन का कैसा फंक्शन लगा आपको? अच्छा है, कोई भी नया आदमी चला सकता है इसको या ट्रेनिंग का जरूरत है किसी को? नहीं, ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, कोई भी न्यू वन टाइम आदमी आएगा वो चला सकेगा इसको। तो आप देख सकते हैं इसकी मशीनरी की सिस्टम है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, टच डिस्प्ले है, इसको वर्किंग कैसे करना है। विद इन 20 मिनट्स के अंदर हमने पूरी मशीन का लाइव डेमो दे दिया हमारे कस्टमर को कि यहाँ पे आए तो विद इन 20 मिनट के अंदर मशीन के मटेरियल बना लिया, फ्लेवर बना लिया, डाल लिया सब इसके अंदर, आइसक्रीम निकाल लिया, टॉपिस डाल दिया, 20 मिनट्स टाइम लगता है इसको स्टार्ट करने के लिए दोस्तों। तो इस तरह की बेहतरीन क्वालिटी की मशीन की ज़्यादा डिटेल, ज़्यादा जानकारी के लिए डॉल्फिन अप्लायंस में कॉन्टैक्ट करें। इसके अंदर बहुत सारे मॉडल है, रेमबो बिना वाला मॉडल है, टेबल टॉप है, सिंगल फ्लेवर मशीन है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल डॉल्फिन अप्लायंस कंपनी में अवेलेबल है दोस्तों। तो इस तरह की मशीनों की जानकारी के लिए डॉल्फिन अप्लायंस में जरूर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सर विजिट के लिए, शुक्रिया सर आप आए यहाँ पे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉल्फिन अप्लायंस।